नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा तआवुन करती हैं जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाजरीन, हर बार की तरह एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, एक बहुत सेंसिटिव मौजू है। हम बात करेंगे आज ट्रांसजेंडर्स के बारे में। हम बात करेंगे क्या क्या कानूनी तहफ़ुज़ात दिए गए हैं इनको, और हम ये बात करेंगे कि अगर इनके साथ कहीं कोई वॉयलेंस होती है या अगर ये किसी किसी क्राइम का शिकार बनते हैं तो इन्होंने कहाँ जाना है, और अगर खुदा न खास्ता इनसे कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो इनको कैसे डील किया जाता है, इनको कैसे सज़ा दी जाती है और इनके लिए कैसे कैसे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी नॉलेज लें उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि हमें इनके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। हमारा एक हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा ये भी है, इसलिए हमें इनके साथ वैसे ही चलना है जिस तरह हम अपने बाकी हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले हैं उनके साथ चलते हैं। तो नाज़रीन, इस नाजुक मौजू पे हमने बात करने के लिए आज की जो हमारी मेहमान जज साहिबा हैं, तबस्सुम कादिर परे, जो कि सब जज हैं और आज जो वो अपनी ड्यूटी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं वो एज़ सेक्रेटरी डालसा अनंतनाग दे रही हैं। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हमने बात की शुरुआत में ही कि आज का जो मौजू है हमारा बहुत नाजुक मौजू है, वो है हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मैम कि क्या होते हैं ये ट्रांसजेंडर्स और कैसे इनको डिफ़ाइन किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदु करने के लिए। जी मैम, सबसे पहले हम जेंडर की बात करते हैं। तो जेंडर मींस या तो मर्द है या औरत है, और जेंडर हम डिफाइन करते हैं आमतौर पर जो बाहरी तौर फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हों जिससे एक इंसान की मर्दानियत या निस्वानियत जाहिर होती हो। जी, तो उसमें वो जेंडर कहलाता है, और वही मेल या फीमेल में हम डिस्टिंग्विश करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं लोगों की, या तो मर्द है या औरत है। लेकिन हाँ, एक हिस्सा हमारी सोसाइटी का वो भी है जो फिज़िकली तो वो मर्द दिखते हैं लेकिन उनमें निस्वानियत की अंदर से जो चाहत होती है वो निस्वानियत की होती है, या फिज़िकली कोई औरत दिखती है लेकिन अंदर से उसमें मर्दानगी, मतलब वो चाहतें जो होती हैं वो मर्दों जैसी होती हैं। जी, तो वैसे लोगों को हम बहुत डिफरेंट नामों से पुकारते हैं, जो हमारा आम लैंग्वेज है, जैसे हिजड़ा कहा, किन्नर कहा, या ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है लेकिन कहीं ना कहीं भूला हुआ हिस्सा है, जो सामने नहीं आता है। एक शैडो सा उनका हमें दिखता है कि सोसाइटी में मौजूद है लेकिन एक उनका शैडो सा चल रहा होता है। या मैम, कोई उनमें से कोई ऐसा पॉपुलर होता है कि उसकी वो एक छवि जो होती है, वो इनका वो जो जेंडर है वो हर जगह उभर के आता है। अदरवाइज अगर देखा जाए, एक बहुत डॉर्मेंट और लाई लोइंग पार्ट ऑफ दी सोसाइटी है। जी मैम, क्या ज़रूरत पड़ी ट्रांसजेंडर्स के लिए कानून बनाने की, और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं ये फेस करते हैं? जी देखिए, हमारे मुल्क में सबसे पहले तो आईनी तौर तहफ़ुज़ात सब लोगों के लिए मैसर हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जैसे आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, या आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये तो सबके लिए मौजूद है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या ट्रांसजेंडर हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में जो भी हमारी कंपनीज हैं, अगर हम आम तौर पे किसी भी बिल्डिंग में जाएं तो वॉशरूम्स में या तो मेल लिखा होगा या फीमेल लिखा होगा, तो देर इज़ नो अदर सेपरेट वॉशरूम फॉर ट्रांसजेंडर। इसी तरह कॉलेज में अगर हम कह सकते हैं कि को एजुकेशन कॉलेज है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो दो लाइंस कहते हैं बनाने के लिए, लड़के एक तरफ आ जाएं, लड़कियां दूसरी तरफ आ जाएं। तो अगर कोई शख्स अपने आप को एज ट्रांसजेंडर ट्रीट करता है या रिकॉग्नाइज करता है अपने आप को एज ट्रांसजेंडर, तो उसके लिए कोई सेपरेट लाइन है नहीं। जी। तो सबसे पहले जब हमारे मतलब मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ, सामने उभर आ गया, वो 2014 की जो जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें अब रिसेंटली एक वेब सीरीज बनी हुई है फीचरिंग सुष्मिता सेन एज दी श्री गौरी सावंत। सो शी वॉज अ ट्रांसजेंडर
नेम्ड एज अ मेल, बॉर्न एज अ बॉय, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ कि उसमें अंदर ज़्यादा निस्वानियत है, उसमें वो लड़का मौजूद नहीं है. और आगे जब वो चली तो वो अपने आप को रिकग्नाइज करने लगी एज अ फीमेल. फीमेल लेकिन हाँ, सोसाइटी में उसको काफ़ी फेस करना पड़ा, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी हैरेसमेंट, काफ़ी वॉयलेंस. और सबसे पहले जब वो कॉलेज में जाती है अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पे वही लाइंस का मसला हो जाता है कि बॉयज़ एक साइड से आ जाएं, गर्ल्स दूसरे साइड से आ जाएं. सो शी फील्स लेफ्ट आउट. उसका है कि वो कहाँ जाए, शी इज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाई ईदर बॉयज़ और दी गर्ल्स. डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल. तो वहाँ से उसकी वो लड़ाई शुरू हो जाती है. और उसको ये पता चलती है कि हिंदुस्तान में एक अलग से कोई भी कानून नहीं है जो उसको उसके तहफ़ुज़ात दे, एज अ ट्रांसजेंडर उसको तहफ़ुज़ दें. तो एक पेटिशन थ्रू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फाइल की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 2014 में ट्रांसजेंडर एज अ स्पेसिफिक जेंडर रिकग्नाइज किया गया लीगली. तो उसके बाद ये तो जजमेंट आ गई 2014 में, लेकिन कानून बनने में तब भी लगभग 5 साल का वक्फा लगा. 2019 में एक स्पेशल कानून बना, ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में कानून बना. जी. मैम, हमारा क्योंकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है और हम जैसे कि शुरुआत में ही बोला कि ये भी हमारा एक हिस्सा और हमें इनको भी लेके साथ चलना है, हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं कि इनकी अपलिफ्टमेंट हम पे ही अगर देखा जाए मुयसर करती है, और हमें उस अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम करने चाहिए? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स पहले हमारी सोसाइटी में मौजूद नहीं थे, पहले से मौजूद थे, सिंस टाइम इमेमोरियल ये थे हमारी सोसाइटी में. लेकिन हाँ, जो नालसा की जजमेंट आ गई 2014 में और फिर 2019 में जो पूरी तरह से एक कानून बन गया इनके इनके तहफ़ के लिए, तो अलग अलग स्पेसिफिक मतलब कुछ डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं टू दी गवर्नमेंट एज वेल एज टू दी सोसाइटी. उसमें सबसे पहला है कि वी हैव टू रिकग्नाइज देम एज अ स्पेसिफिक जेंडर. तो उसके बाद आप देख लीजिए, जितने भी फॉर्म आते हैं, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिले के लिए हों या किसी नौकरी के लिए हों, पहले जब वहाँ पे जेंडर लिखा होता था तो सिर्फ दो डिब्बे होते थे, मेल एंड फीमेल. अब तीन होते हैं, इट्स मेल, फीमेल एंड अदर्स, अदर्स या कभी कभी ट्रांसजेंडर भी लिखा होता है. तो ये एक बहुत बड़ी पहल थी इनको रिकग्नाइज करने के लिए एंड फॉर देयर इंक्लूजन, जो इनका इंक्लूजन करना है सोसाइटी के हर एक स्टेप पे. जी. और एक चीज़ जो मैंने एज सेक्रेटरी डालसा देखी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है ट्रांसजेंडर पीपल के साथ, इनको एक बारी मैंने बुलाया भी था इनके साथ बात करने के लिए, जस्ट टू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज कि ये क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं. जी. तो उसमें हम यही देखते हैं कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, छठी सातवीं जमात तक ही स्कूल जाते हैं. बेसिकली जब सातवीं आठवीं जमात के बाद थोड़े फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होने लगते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, मेल या फीमेल होने के करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होने लगते हैं, तो तब ये थोड़ा ये हैरेसमेंट या मजाक का शिकार बनते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और नतीजतन ये स्कूल जाना बंद कर देते हैं, आगे की पढ़ाई करना छोड़ देते हैं. इनफैक्ट हमारे एक ट्रांसजेंडर है बड़गाम साइड से, ही हैज़ बीन टेकन एज अ पैरालीगल वॉलंटियर बाई दी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. और उनका यही था कि आप फिजिकल अपेयरेंस देखें तो सीधे लगता है फीमेल है, ऑल दो ड्रेस अप करते हैं मेल की तरह, आवाज़ बिल्कुल फीमेल जैसी है. और ग्रेजुएशन कर रहे थे तब, जब सबसे पहली बार मेरे पास आए 2019 में, तो उनको इंक्लूड करना हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक महकमे में, ये एक कोशिश है कि इनको हम लेफ्ट आउट ना रखें. जी. पहली बात. दूसरी बात, कॉलेजेस में या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके खिलाफ कोई बुलिंग ना हो, ये किसी हिरासानी का, मेंटल या इमोशनल अब्यूज का शिकार ना हो. जी. इन सब के तहफुजात ये कानून पेश करता है. जी मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि रैगिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, क्योंकि अगर रैगिंग स्टॉप नहीं की गई तो हमारा अगर देखा जाए आने वाला फ्यूचर सही नहीं होगा. तो ट्रांसजेंडर्स को भी लेकर अगर हम चलते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, कल को वो भी अच्छी पोस्ट्स पे हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या जैसे रैगिंग को लेकर कुछ सख्त कानून बनाए गए हैं और देखा जाए फौजदारी एक्शन भी होता है, क्या ऐसे जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी लेकर कुछ सख्त कानून है? जी बिल्कुल. जो यही है हमारी एक स्पेसिफिक जो एक्ट है, ट्रांसजेंडर्स
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, जी इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि अगर कोई भी ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई भी जिस्मानी हिरासानी करे तो मिनिमम 6 महीने की कैद और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी आयद हो सकता है। ये तो स्पेसिफिक इस लॉ के तहत है, लेकिन उसके अलावा जो इंडियन पीनल कोड में जितने भी जराइम हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ भी कोई करे तो वो सारे जो जराए मतलब अंडर आईपीसी जो भी पनिशमेंट्स हैं वो उस पर अप्लाई हो सकती है। जी मैम, कुछ गैप्स अगर देखा जाए हमारे कानून में भी है जो हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए है, अगर कोई ट्रांसजेंडर कोई क्राइम करता है और क्राइम मान ले हीनियस क्राइम है, तो वैसी सूरत में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? यानी प्रिजन्स में उनके लिए एक अलग स्पेस है कि उनको भी जनरली जो वहाँ अगर मेल प्रिजन है मेल प्रिजन में डाला जाएगा या फीमेल प्रिजन्स में डाला जाएगा? देख लीजिए, ये सब कुछ जो रिकॉग्नाइज हो गया, वही मैं कह रही हूँ कि 2014 के बाद रिकॉग्नाइज हो गया कि हमें इनको अलग एक स्पेस देनी है सोसाइटी में। वी कैन नॉट कीप देम इधर, या तो मेल्स के पीछे पीछे इनको चलाएंगे या फीमेल्स के पीछे पीछे चलाएंगे। हमें इनको अलग से अपनी एक स्पेस देनी है, एक अलग आइडेंटिटी देनी है, अलग आइडेंटिटी और एक अलग स्पेस अपनी देनी है। तो उसके साथ साथ अभी जो सेंसस हुआ है ट्रांसजेंडर्स का, सबसे लास्ट का जो है 2001 में हुआ है। 2011 में तो एक पहल की गई थी, लेकिन वो अभी उतनी वी कैन से कि वो उतना सेंसस हमारे पास ऑथेंटिक नहीं है अभी जो ट्रांसजेंडर्स को लेके है। तो जो प्रिजन्स का है, पॉलिसी मेकर्स के जहन में है कि प्रिजन्स में एक सेपरेट होना चाहिए फॉर ट्रांसजेंडर्स, लेकिन हाँ अभी तक कोई सेपरेट इनके लिए सेल नहीं रखी गई है। और जो कानून है इनकी इनके तहफ़ के लिए, उसमें ये भी प्रोवाइड किया गया है कि एक सेपरेट कोर्ट्स इनके लिए, जैसे पॉक्सो में हमारे सेपरेट कोर्ट्स हैं, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स चाहे क्राइम्स अगेंस्ट दी ट्रांसजेंडर पर्सनस हों या क्राइम्स कमिटेड बाय दी ट्रांसजेंडर पर्सनस हों, उनके लिए अलग से ट्रायल चलनी चाहिए, अलग से कोर्ट होने चाहिए। लेकिन हाँ देर मतलब ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है, बट दीज आर द गैप्स विच नीड टू बी एड्रेस, जो आगे चल के हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में आ जाएंगी। जी मैम, अक्सर देखा गया है जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो बहुत अगर देखा जाए मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनके घर में ही पहले स्टार्ट उनकी लड़ाई उनके घर से होती है, क्योंकि जैसे वो रहना चाहते हैं उनके घर वाले उनको अलाउ नहीं करते हैं। बाकी कंपल्शंस होते हैं सोसाइटी के कंपल्शंस कि अगर बेटा ट्रांसजेंडर है तो वो क्या मुंह देंगे बाहर, तो पहले ही स्टार्ट घर से हो जाती है इनकी वॉयलेंस। जो फैमिली इनकी इमीडिएट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली की तरफ से रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में इन ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ होम्स या कोई शेल्टर्स जो है वो बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जो यहाँ पे टच किया कि सबसे पहली जो इनकी वॉयलेंस है या हम कह सकते हैं रिजेक्शन और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट देम, वो घर से ही शुरू होता है। और घर से भी वही जब बच्चा 10-12 साल की उम्र का हो जाता है, जब वो दिखाता है कि अपने फिजिकल फीचर्स में वो चेंज लाना चाहता है, जैसे कोई लड़का है तो औरतों की तरह ड्रेसअप करेगा, तो उसमें फिर पहले सबसे पहले घर वालों को दिक्कत होती है उनको एक्सेप्ट करने में। और यही देखा गया है कि जब वो 14-15 साल की उम्र के पहुंचते हैं तो वो घर ही छोड़ के चले जाते हैं। जी तो हमने देखा है सोसाइटी में ये लोग सेपरेटली रहते हैं, कुछ मोहल्ले इनके अलग से होते हैं जहाँ पर ये बाकी ट्रांसजेंडर्स के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, जो एक्ट है उसमें प्रोवाइड किया गया है कि सेपरेटली गरिमा गृह, सेपरेट शेल्टर होम्स इनके लिए प्रोवाइड किए जाएं। ऑल्दो अभी बना नहीं है कोई गरिमा गृह इनके लिए एज सच, बट प्रोविजन में है और ये भी लिखा गया है उसमें कि 18 से 60 साल की उम्र तक उस गरिमा गृह में रह सकता है। जी। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत है वो यही है कि चेंज ऑफ माइंडसेट, कि अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर है तो माइंडसेट ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट करें एज एन इंडिविजुअल, एज पार्ट ऑफ द फैमिली, रादर देन कि उसको धिक्कार कर घर से निकाल दें। जी मैम, जैसे कि देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर इतने सारे तहफ़ुज़ात दिए गए हैं और कुछ असिस्टेंस भी दी गई हैं, तो कभी अगर कोई नॉर्मल इंसान बनना चाहे, एक्ट करना चाहे एज ट्रांसजेंडर्स, या कुछ जो फ़ायदे हैं जो एज ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं, अगर वो चीज़ें हासिल करना चाहे और ख़ुद को डिक्लेयर कर दे ट्रांसजेंडर्स, क्या वैसे कोई ऐसी कोई चीज़ है जो इनको रिकॉग्नाइज करती है? या हाँ, वो एक्ट ही प्रोवाइड करता है। जी,
सरकारी तो रिकॉग्निशन मिलने के लिए एज ए ट्रांसजेंडर उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक दरख्वास्त करनी है, तो फिर उसमें कुछ प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन वो हर एक स्टेट का अपना अपना है, वो बिकॉज स्टेट हैज़ टू फ्रेम द रूल्स अंडर द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, कि जब उनने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन की उसके साथ कुछ प्रूफ्स रखने हैं, जैसे हमारा राशन कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस हुई या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो फिर एक प्रोसेस के तहत उनको वो सर्टिफिकेट मिलती है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। कभी ये भी होता है कि इनको रिकग्नाइज किया गया है एज ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये भी है कि पॉलिसी में है कि सरकारी जो हमारी नौकरियां होती हैं या कॉरपोरेट में, इनके लिए एक अलग से सेपरेट कोटा रखा जाए, रिजर्व कोटा रखा, बिल्कुल, ताकि मुफलिसी की जिंदगी ना जिए और इनका इंक्लूजन हो टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट हो। तो वैसी सूरत में यानी वो सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट इनको एक रिकग्निशन दीजिए। जी बिल्कुल जी मैम, लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या रोल रहता है इन ट्रांसजेंडर्स की बेहतरी? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए के लिए कैसे काम करते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक पुल की तरह काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, जुडिशरी एंड द कॉमन मासेस। तो इसमें हमारा सबसे पहला वही होता है अवेयरनेस, उसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर ट्रांसजेंडर्स के साथ कहीं पे भी ज्यादती होती है वो सामने आके वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी में जाके मुफ्त, एक कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी, सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है, तो डेफिनेटली उनकी जो भी उनकी परेशानी होगी उसका हल निकाला जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे पहली जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई वो 2014 में आई, जिसमें रिकग्नाइज किया गया ट्रांसजेंडर्स को एज एन अदर जेंडर। तो ऑल दो दी पर्सन बिहाइंड इट वॉज श्री गौरी सावंत, लेकिन जो पिटिशन की गई फाइल वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ही फाइल की, नालसा की तरफ से फाइल हो गई। बिल्कुल जी मैम, जैसे कि हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो बहुत काम करते हैं, और हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हमारे अपने ही सोसाइटी में से होते हैं, लोकल्स होते हैं, क्या इन पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है ट्रांसजेंडर्स को लेकर कि वो देखें, वो अपना एक एनालिसिस करें कि वाकई में जो ट्रांसजेंडर्स अगर कहीं घरों के अंदर हैं क्या उनके साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये जो ट्रांसजेंडर्स होंगे इनको एक फ्री एक्सेस नहीं दिया जाता है, जैसे कि देखा गया कि अगर कहीं बेटा या बेटी में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनको एक फ्री एक्सेस नहीं बाहर दिया जाता है, क्या वैसी सूरत में कोई ऐसा कुछ है हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी का कि चेक एंड बैलेंस और वो सारा वॉच करते हैं और आगे तक ये चीज़ें लाते हैं? देख लीजिए, हमारी आंखें तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स ही हैं जो सोसाइटी में जाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे भी रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे तो डेफिनेटली कार्रवाई हो ही जाती है। लेकिन जो आप पहले कह रहे हैं कि घर वाले इनको बाहर नहीं जाने देते हैं शायद, या उनको बंद रखते हैं, मेन वो जहनीत, वो जो जहन में होता है कि घर वाले हमेशा सेफ्टी चाहते हैं अपने बच्चों की, तो शायद कहीं ना कहीं ये जहन में आए कि अगर ये बाहर चला जाए तो मे बी ही और शी वोंट बी सेफ इन दी सोसाइटी, तो वो एक चीज़ रहती है। और साथ में हमारी कोशिश रहती है कि ट्रेनिंग्स दें पैरालीगल वॉलंटियर्स को। इसके साथ साथ 31 मार्च हर साल ट्रांसजेंडर डे मनाया जाता है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज भी स्पेसिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है उस दिन, और इनफैक्ट कभी कभी तो हम ट्रांसजेंडर्स को बुलाते भी हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफिस में, ताकि हम उनके साथ बात कर सकें, उनके इश्यूज वन टू वन सुन सकें, जो हम वी कैन टेक अप एट दी हायर लेवल। इसके साथ साथ 31 मार्च के साथ साथ हर साल 14 जुलाई इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है फॉर दी ट्रांसजेंडर, फॉर सच पीपल, तो इनके इश्यूज एड्रेस करने के लिए। जी मैम, कुछ लोगों का देखा गया है, ट्रांसजेंडर्स का देखा गया, क्योंकि ये ज़्यादा एजुकेशन नहीं हासिल करते तो अक्सर इनका जो रुझू रहता है वो म्यूज़िक वगैरह ऐसी चीज़ों की तरफ रहता है, और अगर देखा जाए कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम सब जानते हैं, हमारी शादियों की रौनक बनते हैं, और अगर देखा जाए ऐसे भी बहुत सारे हैं जो पॉपुलर हैं सिंगिंग में, तो अगर कोई ऐसी मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसमें ऐसे शौक़ हैं और उसमें इतनी कुव्वत है कि वो
कल को खुद को एक मतलब एक अच्छी जगह पे देख सकता है, तो क्या वैसी सूरत में इसके फंड्स रेज करना या कोई भी ऐसा कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके लिए आगे आए? जी देख लीजिए, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहा है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो डायरेक्टली जो फंड्स हैं उनके पास आते हैं। हाँ, उनकी पॉलिसी में ट्रांसजेंडर्स का इंक्लूजन हो गया है जी। और जो आपने बात कही कि म्यूजिक के शौकीन हैं या शादियों में गाते हैं, हमारी सोसाइटी में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज वी कैन से दैट ट्रेडिशनल मैच मेकर्स, घर घर जाते थे और रिश्ते लाते थे साथ में, तो एक हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी वोकेशन थी उनके लिए, एक इज्जत वाली इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे, इज्जत की जिंदगी वैसे मिलती है, तो वो तो हमारी सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड है ही है, ऐसा नहीं है कि उसको हम धिक्कारते हैं या हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। साथ में जो वो शादियों में जाते हैं, चाहे म्यूजिक बजाने जाएं या गाने जाएं, कहीं पे उनको रोका नहीं गया है इस चीज के लिए, बट हाँ जरूरत है कि इनका प्रॉपर एक हम कह सकते हैं जैसे एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म इनको दिया जाए।, जाए बिल्कुल, तो वो प्रोवाइड करता है इनको जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनफैक्ट उनकी एक लिंक है, दैट इज transgender.dosje.gov.in, तो उस पर क्लिक करके ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे विल गेट अ सर्टिफिकेट। जी मैम, जैसे कि देखा गया है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे अच्छे भी अगर बोला जाए, अच्छी चीज़ें भी हैं और कभी कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, वो ये कि कभी कोई ट्रांसजेंडर सड़क पे खड़ा होकर या कहीं पे मतलब इंसान को इतना परेशान कर देता है, इतना एनॉय कर देता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जैसे अगर हम लोग कुछ करना भी चाहें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कुछ लोग, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इस तबके से कि जो इरिटेट करने में माहिर होते हैं, बिल्कुल रास्ते पे पकड़ लिया, अब जी इतना पैसा दे दो, अब जी ये कर दो वगैरह ऐसा वैसा, तो वैसी चीज़ों को कर्टेल करने में क्या कोई हाथ रहता है? जैसे कोई परमानेंट सा सिग्नल पकड़ लिया, किसी सिग्नल पे खड़े हो गए या कहीं किसी मॉल के बाहर खड़े हम हो गए। अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो बहुत कम हमें नजर आते हैं, यहाँ पे तो है नहीं। हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता है मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, तो वहाँ पे उनके अपने लॉज हैं। बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि पहले सिग्नल्स पे ऐसे रहते थे या परेशान करते थे, क्योंकि इनको प्रॉपर एक रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था। बट यस, थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर 2014 जजमेंट, और जो 2019 में कानून आ गया, बहुत फर्क आ गई है इस सब में। तो अब आप बहुत कम देखेंगे कि ट्रांसजेंडर्स कहीं पे खड़ा होके शोर मचा रहे हैं या लोगों को तंग कर रहे हैं, वैसी पोजीशन तो है नहीं। प्लस ये खुद चाहते हैं कि एक डिग्निफाइड जिंदगी गुजारें, एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारें, मे बी दे हैड बीन पुश्ड बाय वेरियस फैक्टर्स वो सारी चीज़ें करने के लिए, बट यस थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट नाउ। जी मैम, जैसे कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमें इन्फॉर्मेशन दी कि ट्रांसजेंडर्स की एक अलग कॉलोनीज होती हैं, जैसे अगर किसी को घर से निकाल दिया तो वो फिर एक अपनी एक कॉलोनीज अपने मोहल्ले बना लेते हैं, तो क्या जैसे हमारी सोसाइटी में है कि अगर कहीं पे कोई लेप्रसी पेशेंट्स हैं तो अडॉप्ट किए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एनजीओज उनके लिए काम करते हैं, तो क्या लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऐसा रहता है, एक रोल रहता है कि जो डिफरेंट हमारे ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ टाई अप करके कि आप इनकी बेहतरी के लिए कहीं पे कोई इनको अडॉप्ट करवाएं किसी सोसाइटी से या कुछ इनकी बेहतरी के लिए, क्या वैसे स्टेप्स आपकी तरफ से रहते हैं? जो मैंने पहले भी कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक पुल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द बेनिफिशरीज, तो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ से इनके लिए फंडिंग आती है, इनके लिए जो अलग अलग पॉलिसीज या स्कीम्स हैं वो आती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम यही रहेगा कि एक पुल की तरह काम करे बिटवीन द ट्रांसजेंडर्स एंड द पेरेंट डिपार्टमेंट। साथ ही जो मैंने आपको लॉ कहा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो बना है, उसमें स्पेसिफिक किया गया है कि इनको प्रॉपर एक राशन कार्ड दिया जाए, इनका आधार कार्ड बने, इनका पैन कार्ड जहाँ पे जरूरत हो, पैन ड्राइविंग लाइसेंस बने, बिल्कुल, तो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हासिल करने के लिए इनको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आनी चाहिए।
हाँ, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो किसी भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन में ये जा सकते हैं और अपनी अर्जी दे सकते हैं। यानी मैम, अगर देखा जाए, बोल सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको उनके जहन में कोई सवाल आता है या उनके उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील्स में, वहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल जी मैम, एक मैसेज जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप देना चाहें हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इनको दिक्कतें ना, इनकी भी चाहत होती है कि एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अगर डेफिनेटली हम इनको इज्जत देंगे तो वापस ये उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे इज्जत देने की। और अगर स्कूल कॉलेजेस में ऐसे लोग पढ़ रहे हैं तो उन्हें मजाक का शिकार ना बनाएं, उन पे फिक्रे ना कसे और उनको भी अपनी ज़िंदगी इज्जत से जीने दें। जी मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुना कि कितने कवानीन, कितने तहफ़ुज़ात दिए गए हैं हमारे ट्रांसजेंडर्स को। हम आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं, एक जो हम सब सुनते आए हैं अपनी सोसाइटी में, कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक बहुत एक पॉपुलर सी चीज़ है कि इनकी दुआ बहुत जल्दी लगती है और इनकी बददुआ भी बहुत जल्दी लगती है। वो क्यों? क्योंकि ये दिल मलूल लोग होते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और जब भी हम अपनी सोसाइटी में कहीं ऐसे अफराद देखें तो हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये तबका, ट्रांसजेंडर तबका, ये प्रोग्राम देख रहा है और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपने नज़दीकी जो डालसा का सेंटर है वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनका रिड्रेसल कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ और मौजूदात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कुछ नए मेहमानों के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।